भाइयों आ गए हैं आज संतोष बूढ़ी वाले अंबा चाट की दुकान पे। भाई इतना नाम है इनका बेड़ी बूढ़ी पे, इतना नाम है इनका बेड़ी बूढ़ी में, मतलब कह सकते हैं कि ईस्ट दिल्ली में यमुना पार में इनका सबसे ज़्यादा नाम है। बहुत अच्छी इनकी बेड़ी बूढ़ी है, क्राउड देख ही रहे हो आप, देखो कितना क्राउड है और बहुत फेमस है इनकी बूढ़ियाँ। ये उस्ताद जी देखो बेड़ी बूढ़ी बना रहे हैं और इतना नाम है इनका बेड़ी बूढ़ी में, मतलब कह सकते हैं कि टॉप लेवल की बेड़ी बूढ़ियाँ हैं। अब क्राउड देख ही रहे हो आप कि फ़ैन कितने हैं भाई बेड़ी बूढ़ी के, खाने वाले कितने हैं, चाहने वाले कितने हैं। अब ये देखो नन नगरी के अंदर इतना नाम है इनका, इतनी फेमस है कि बंदे यहाँ रुक ही नहीं रहे हैं और कढ़ाई नहीं रुक रही है, और कितने लोग लगे हुए हैं बनाने के लिए, ये देख रहे हो, ये है आए है गजब ताज़ी ताज़ी गर्म गर्म पूड़ियाँ। अब दिखाएंगे आपको कि कैसे बनती हैं, उस्ताद जी कौन है, कितना टाइम हो गया उस्ताद जी को। हाँ जी उस्ताद जी कितना टाइम हो गया आपका? 20 साल। भाई 20 साल हो गए बीड़ी पूड़ी बनाते बनाते, मतलब कि इनके हाथों में ही जादू है, लोग इनके हाथों की फ़ैन है। और अब ये कह रहे हैं भाई, सुन भाई कह रहे हैं मूछ नहीं थी, मूछ हमारे उस्ताद जी मूछ भी नहीं आई थी, जब से पूड़ियाँ बना रहे हैं आज मूछ भी इतनी बड़ी हो गई है, पूड़ी छोटी पड़ गई हैं। मतलब कह रहे हैं कि मूछ भी नहीं थी तब से पूड़ियाँ बना रहे हैं, अब मूछ भी बड़ी हो गई है, देख लो कि मतलब कितने पुराने उस्ताद जी हैं, कितने पुराने कारीगर हैं ये इस लाइन के। और बेड़ी बूढ़ी का भाई नाम है यहाँ पे नन नगरी में संतोष बूढ़ी वाले का। आगे आगे देखते हैं आप, चलो भाई ये पूड़ियाँ लवर, ये देखो इधर भीड़ लगी हुई है। अब इनसे बात करते हैं, सब्जियाँ यहाँ बनती है भाई, देखो बेड़ी बूढ़ी की सब्जी यहाँ है, ये उस्ताद जी हैं, ये बेड़ी बूढ़ी ये सब्जी के उस्ताद जी हैं, देख रहे हो बल्क में सब्जी। कितना टाइम हो गया आपको? हो गए मेरे को 20 साल हो गए करीब। भाई 20 साल भाई को हो गए, तो मतलब कि वो जो पूड़ी बना रहे हैं वो उस्ताद और ये वाले दोनों साथ ही हैं, ये सब्जी देते हैं, पूड़ियाँ उधर बनती हैं, सब्जी इधर बनती है। तो देख रहे हो भाई कि कितना मतलब अच्छा काम है यहाँ पे बेड़ी बूढ़ी का, कितना नाम है यहाँ बेड़ी बूढ़ी का। भाई अंबा चाट कॉर्नर यही है मालिक, यही है करता धरता। अब बताएंगे कितना टाइम हो गया आपको सर? 78 से है ये, 1978। अब ये लगा लो कितना टाइम हो गया इन्हें और कितने टाइम से बना रहे हैं, इनके हाथ की कारीगरी है, यही है उस्ताद। और देखो जब नन नगरी के अंदर आप घुसोगे ना तो दूर से पता पड़ जाएगी भाई संतोष पूड़ी वाला, वहाँ पूड़ियाँ बन रही हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ जाती है, मतलब ये खाना लगा हुआ है हमारे आगे, ये पूड़ियाँ लगी हुई हैं, रायता लगा हुआ है, मतलब रुका नहीं जा रहा है, यहीं से लग रहा है कि कितनी अच्छी खुशबू है, ऐसा लग रहा है कि भाई मुँह में पानी आ गया, बहुत ही बढ़िया। ये क्राउड देख रहे हो आप, इधर देखो क्राउड, ये मतलब ऐसा लग रहा है दावत हो रही हो जैसे, ये इनके लवर हैं, इन्हीं के हाथों का जादू है और बहुत अच्छी पूड़ी है इनकी, तो यही है सर। भाई वो चेक कर दें कि कैसी पूड़ियाँ हैं, कि नाम कैसा है और खाने में कैसी है, नाम तो अच्छा है ही, खाने में देखते हैं। हकीकत में कितना अच्छी टेस्टी है, इतनी टेस्टी है, एक नंबर। गजब।